तो हेलो दोस्तों, आज के हम छत पे और हर कर रहे हैं पानी का पानी तो पानी भर। एक पौधा है ना जो बिल्कुल सूख गया है, वो करते हैं उसका शेयर और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करेंगे फिर पौधे को पानी देंगे। और एक क्या पौधा बिल्कुल प्लांट बिल्कुल सूख गया है, उसमें पानी डालना ज़रूरी है। एक बकेट भर के पहले से पानी डाल देते हैं फिर दूसरी की शुरुआत करते हैं। और आपको आज का ये हमारा गार्डनिंग का वीडियो अच्छा लगे और जब वीडियो की शुरुआत करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो रात रानी का पौधा बिल्कुल सूखा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पौधे और सूख रहे हैं मगर ये बहुत ज़्यादा ही सूखा है। ये देखो पूरा का पूरा इसकी पत्तियाँ देखो ऐसे झुक गई है, इतनी जिसको पता है वन फ्लावर भी बेचारा ऐसा हो गया। इसको शायद मैंने कल पानी नहीं दिया था यार, इसलिए सारे ही फूल ऐसे हो गए इसके। इस बार इसको ये मैंने बकेट भर लिया, पानी डाल देते हैं। तो देखो पहले तो मैं क्या करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी आधा घंटा और फिर उसके बाद दूँगी पौधों को पानी। तो क्या करते हैं, देखो ये सब सामान मैंने अंदर से निकाल दिया, देखो पेंट की बाल्टी और ये हमारी टोकरी है जिसको मैंने पहले हैंगिंग प्लांटर्स बना के रखा था। इसका भी कुछ करने की सोची है तो इन सबको मैं लेके जाऊँगी नीचे। और अभी क्या कर रही हूँ, ये मेरी एक बोरी है तो इसमें मैं कोई पौधा उगाने की सोच रही हूँ और उसमें मैं भरूँगी ये सारा का सारा पत्ते वगैरह। ये जो जल है ना इसे डाल दूँगी सबसे नीचे, इसके सबसे नीचे और ऊपर भरूँगी ये। तो देखो ये सारी की सारी पत्तियाँ मैंने इसमें भर दी नीचे, अब ये इसमें भर दी हूँ। तो देखो सारा का सारा मैंने इसमें भर दिया, इससे होगा क्या ये लाइट वेट भी रहेगा और सही भी रहेगा, ये सारे इसका कंपोस्ट बनता भी रहेगा। अब इसके ऊपर मुझे डालनी है मिट्टी, मिट्टी मैं वहाँ से लाऊँ क्योंकि इस पौधे को मुझे क्या इसमें एक काम करते हैं इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। इसकी मिट्टी मुझे निकालनी थी बिकॉज़ क्या ये मिट्टी है ना ख़राब हो रही है, ख़राब क्या बहुत दिनों से इसको ना मेरे को रिपोर्ट करके नई फ्रेश मिट्टी भरनी है इस गमले में, इसलिए इसे पहले किसी टूल वूल की सहायता से पूरा निकाल लेते हैं। तो ये देखो मैंने इसको खाली कर लिया है इसे, उसकी मिट्टी कितनी जम रही थी शायद जब से इसमें कोई पौधा हुआ था पता नहीं क्या लाए होंगे तब से खाली नहीं किया होगा। तो इस सारी मिट्टी इसकी जम चुकी है, अब मैं इसे थोड़ा सा खोल लेती थी उसकी मिट्टी हो रही थोड़ी सी गीली तो अच्छे से मेरे ये बड़ी सी लोहे का एंगल जैसा रहता है उससे मैं पूरा से खाली कर लेती हूँ। एक बार खाली इसको थोड़ा सा खोल लेती हूँ मिट्टी को इस तरीके से। तो इस तरीके से देखो ये मिट्टी सारी खाली हो गई, इसमें से इसकी ये फेंक दूंगी किसी काम की नहीं है और इसे मैं भर दूंगी इसमें। तो इस तरीके से देखो ये मिट्टी सारी खाली हो गई, इसमें से इसकी ये फेंक दूंगी किसी काम की नहीं है और इसे मैं भर दूंगी इसमें। तो ये देखो पहले आई सदाबहार, एक किसी पौधे में खिल रहा था वो, सेकेंड ये वाला चेंज करना बिकॉज पानी रुक नहीं रहा है, यहाँ आ गया क्रैक आ गया इस तरफ क्रैक आ रहा पूरा ये और प्लस ये टूट गया। तो पानी जैसे ही डालते हैं वो जाता है इसके नीचे से ऐसे और रुकता नहीं, तो ये ख़राब हो जाएगा थोड़े से टाइम के बाद में बिकॉज उसमें पानी स्टे ही नहीं कर रहा है। तो ये मेरे को सबसे पहले इसमें से निकालना पड़ेगा, सोच रही हूँ ये प्लांटर सही तरीके से निकल जाए तो छोटी मोटी कटिंग्स लगाने के तो काम में आ ही जाएगा। और सेकेंड देखो इसी में से ये वेट वाला पौधा और हाँ इसी में से ये सदाबहार भी है, इसको भी मैं निकालूंगी इसमें से, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और प्लांटर मेरा काफ़ी छोटा है तो इसे भी मैं निकाल देती हूँ स्टूल की सहायता से। इसकी इसे ऐसे डिक करूँगी इसके आसपास और ये निकाल लूँगी। और ये गमला मैं वहाँ से ले आई हुई है, आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि इसमें ये जो बल्ब है ना एम्प्रेस लिली के ये हो रहे हैं काफ़ी सेपरेट्स, ये देखो खूब सारे इसमें ये निकल रहे हैं आपको दिख रहा होगा गमले में, मगर इसके साथ क्या हो रहा है सदाबहार का पौधा भी काफ़ी ग्रो कर गया है। फिर यहाँ अगर ये होगा तो ये एक दो बल्ब यहाँ हो जाएंगे, तो मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ कि कैसे निकलता है। अब एक हाथ में मेरा कैमरा होगा और एक हाथ में ये, अब देखो मुझे गमले के पैर लगाना पड़ेगा यार, ना चाहते हुए भी निकल पाता है कि नहीं। और ये तो पूरा आ गया, तो एक काम करते से पहले पूरा ही निकाल लेते हैं। तो अब देखो इसमें से मैंने सारा एज इट इज ही निकल गया, ये अब रूट बाउंड कितना सारा हुआ इसमें ये देखो। तो अब मैं से इस साइड से कैमरा मुझे रखना पड़ेगा और खींच के निकाल लूँगी ये कैमरा के सॉरी
वो बस इसमें मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसमें के दो दो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको निकालती हूँ। तो ये देखो इसकी मिट्टी के बहुत ज़्यादा भुरभुरी थी, बाद में इसका के थोड़ी मिट्टी विट्टी डालेंगे, इसमें थोड़ी सी जड़ें निकाल दूँगी मैं, होगा तो इस तरीके से ये जड़ें निकाल दूँगी मैं और इसे वापस इसके अंदर जस्ट ऐसे डाल देती हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है। और इसे संभाल लेते हैं, तो ये देखो ये तो टूट ही गया, फिर भी इसे मैं संभाल के रखूँगी, कुछ डीआईवाई बनाने की सोचूंगी इससे। और इसे मैं कर लेती हूँ सॉफ्ट, और इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, अब वहाँ से लाऊंगी क्या देखते हैं, ये तो मैं नई मिट्टी डालूँगी क्योंकि ये वाली जो है ना सदाबहार के पौधे को इतना कुछ ज़्यादा खास वो नहीं चाहिए। इसमें नीचे वैसे ही कंपोस्ट डाला है बीच में अच्छी वाली, और ऊपर से ये वाली डाल देंगे, तो इसको मैं ऐसे करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी जो मैं उसमें बना के रखती हूँ अपने बड़े कंटेनर में, वाली मिट्टी ला के इसको डाल के ऊपर से फिल करके भर के रख देती हूँ। तो पहले ये काम करूँगी फिर ये करूँगी। तो देखो सबसे पहले मैंने इनको मिट्टी से अच्छे से ऊपर तक भर दिया, ये मेरा पॉटिंग मिक्स है ना अच्छा वाला, उससे अच्छे से ऊपर भर दिया इसको भी और एक इसको भी, जिससे इसके बल्ब जब सेपरेट हो ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए, पानी बाद में देंगे। देखो सारे पौधे भी मेरे सूख रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ सबकी मिट्टी सूख रही है, फटाफट से ये वाला काम करूँ, फटाफट से सारी ये मिट्टी है ना मैं इसमें भर देती हूँ सारे एक बार की, फिर ये सारे पौधे। और एक और वाइट मिल गया था सदाबहार, तो वाइट भी ले आए हैं, ये सब देखो कैसा हो रहा था, मैं सूख रहा था, ये सब सदाबहार के इजीली ग्रो कर जाते हैं पूरा साल, हाइब्रिड वाले नहीं देसी वाले, पूरा साल आपको बंचेस में देते हैं फ्लावरिंग, कटिंग से भी बहुत ईजीली उग जाते हैं। तो मैं इसको इसमें लगा देती हूँ, नहीं पहले सारी मिट्टी इसमें भर देती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा मिट्टी इसमें सारी भरूँ, फिर मैंने सोचा नहीं पहले ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको अंदर तक रखने के लिए इसकी मिट्टी अगेन हम खाली करेंगे और फिर इसमें ये पौधा अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसकी रूट्स अंदर तक जानी चाहिए इस तरीके से यहाँ, फिर इसमें सारी मिट्टी भरेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक इसकी मिट्टी भर जाएगी ना तो अच्छे तरीके से स्टैंड करेगा। तो एक बार इसको मोबाइल को रख के पहले मिट्टी भरते हैं। तो ये देखो इतना तो मैंने भर लिया है, अब ये और भी मिट्टी भर लेंगे, फिर ये ऊपर छोटे वाले ये जो है ना ये सारे ऊपर ऊपर से लगा देंगे। तो चलो अच्छा रुक करते हो, काफ़ी बड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा है पौधा। तो देखो इस तरीके से साफ़ सफाई वगैरह तो सब हो गई है, अब इसे मैंने लगाने की जगह बनाई है, इसको काफ़ी धूप चाहिए सदाबहार को, तो इसे मैं रखूँगी यहाँ, यहाँ मैंने जगह बना दी है इस तरफ नीचे, वो सारा सामान हटा दिए रहेंगे अभी, वो तो सामान जहाँ मैं वेस्ट सामान रखती हूँ उस जगह रखूँगी, और ये उठा के रखूँगी यहाँ, इसमें मैंने पानी नहीं भरा, पानी भर लिया तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, अभी इसको वाटरिंग नहीं दिए, वाटरिंग से पहले मैं यहाँ रखूँगी इसको, तो इसे यहाँ रख दिया है और इसे अभी अच्छे से दे देंगे हम पानी, थोड़ा बहुत मैंने दे दिया। और इसमें तो कहीं तो बोरी का है ना, तो उसमें कोई ड्रेनेज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें होल्स वगैरह होते हैं, इसमें से पानी जाता रहता है, ये प्लास्टिक का नहीं है, ये उसका है, ये देखो इस तरीके से इसमें होल्स होते हैं, ये पानी वैसे ही ड्रेन होता रहता है। तो इसे रख दिया है यहाँ, और ये हाथ से बनाया था, ये है हमारे चावल का छोटा कट्टा, और इसको मैंने ऐसे सिल दिया था, देखो इस बार ऐसे उल्टा करके इसमें जो ऐड है वो अंदर आ गई, और बाकी इसे उल्टा कर दिया तो अंदर वाला पार्ट वाइट वाला पार्ट यहाँ आ गया था इस अकॉर्डिंग। तो चलो ठीक है, पौधों को पानी देते हैं फिर जाते हैं नीचे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।